सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के पहले सिलेबस के बारे में। क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि यार हमें कहाँ जाना है उसके बारे में चीज़ें थोड़ी देखी जाती है ना कि कहाँ कैसे जाना है। भाई मान लो कि मुझको यहाँ से आगरा से न्यू दिल्ली जाना है, तो मैं भाई ट्रेन जाऊँगा, भाई बस जाऊँगा, ओके, या फिर भाई एयर जाऊँगा अगर अवेलेबल है। तो हम वही देख रहे हैं कि हमको क्लास 11 कंप्यूटर साइंस पढ़ना क्या क्या है और फिर हम किस तरीके से उसको पढ़ेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन मैक्सिमम कर पाएँ। और हम इस बार नॉलेज के लिए पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब 10 तक तो था रटली या बात हो गई, बट अगर 11 में आप जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो वो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता देता हूँ, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं आप सभी के लिए चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिलेबस क्लास 11th और 12th के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो बस आप सभी से इतना बोलूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले टाइम में आप सभी को ऐसे वीडियोस मिलते रहें। चलो हम बात करते हैं। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है क्लास 11 के लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ही हों, कंप्यूटर साइंस के तो उसके लिए अलग ग्रुप है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं आपके डिस्कशन के लिए। तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से उनको ज्वाइन कर लेना। चलो बात करते हैं अपने सिलेबस की। देखो सिलेबस जो है वो आपको ऑफिशियल साइट से ही, सबसे पहली चीज़ हमेशा कोई भी चीज़ जो आपको दिखनी है अपने एकेडमिक से रिलेटेड, हमेशा ऑफ CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ही देखनी है। ओके चलो अब देख लेते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम्स। देखो जो आपका सिलेबस बनाया गया उसका बेसिक मोटिव क्या है, ठीक है, उसका बेसिक मोटिव ये है कि आपको डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, उनको यूज़ कैसे करते हैं और उनका थोड़ा एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए, फिर कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, OS, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हमको, ठीक है। इसके बाद में साइबर एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, इन सब की अवेयरनेस आजकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा डिजिटल एज में जाते जा रहे हैं ना, स्कैम्स उतने ज़्यादा डिजिटल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम साइबर क्राइम्स बोलते हैं। अब अपना प्रॉपर देख लेते हैं कि यार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कितना है, ठीक है, और आपकी एक यूनिट जो रहने वाली वो 10 नंबर की है, दूसरी यूनिट 45 नंबर की है और तीसरी आपकी 15 नंबर की होने वाली है। अब जो दूसरी यूनिट वो थोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लग रही होगी, जिसके ज़्यादा नंबर हैं, और अगर बात की जाए तो इसमें काफ़ी टाइम भी आपको कवर करने में लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं बात करूँगा दो टाइप के सिनेरियो की। कुछ स्कूल्स में आपको यूनिट 1 है वो पढ़ाई जाएगी, ठीक है, कुछ यूनिट में आपको सीधा यूनिट 2 से पढ़ाना शुरू किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका प्रोग्रामिंग से पढ़ाना आपको शुरू कर दिया जाएगा। पहले देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या बात हो रही है। देखो यूनिट 1 में बात की जा रही है जो कुछ आपने बेसिक अभी तक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है ना, देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी, प्राइमरी, कैश, सेकेंडरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बिट बाइट, KB, MB, ठीक है, इस तरीके से। और सॉफ्टवेयर कैसा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, OS, यूटिलिटी डिवाइस, ड्राइवर और SMLR, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, एंड देन बोलियन लॉजिक को पढ़ाया जाएगा, नॉट एंड। आप टेंशन, मतलब सिलेबस इतना कॉम्प्लीट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखो ये अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी 11th कैसी थी, सॉरी आपकी 10th कैसी थी। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम साथ साथ इम्प्रूव कर रहे होंगे और ये सब्जेक्ट आपको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब आप मुझे भैया आप ये पढ़ा रहे हो कि आपको आता है। देखो जब मैंने आपका 11th में जब ये अपना एग्ज़ाम दिया था तो मेरा 70/70 स्कोर था, बट जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 96/100 मैंने स्कोर किया था इसमें। सो मैं अपने आप को मानता हूँ कि और मैं आपको अलग तरीके से पढ़ा सकता हूँ जिससे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे। अब इसमें क्या नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, हम बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट, उनको कन्वर्ट कर रहे होंगे, इनकोडिंग सिस्टम्स, एंड देन इसके बाद देखो यहाँ से आपकी मेन चीज़ शुरू होगी जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 है, यहाँ से आपकी मेन चीज़ शुरू होगी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब देखो जहाँ प्रोग्रामिंग आती है ना, प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, एक लैंग्वेज है यार। हम ह्यूमंस को आपस में बात करने के लिए क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, ताकि हम अपनी बातें या फिर कह सकते हो सीधा कि अपना जो मैसेज है वो हम कन्वे कर सकते हैं। सो सेम चीज़ क्या, अगर मशीन से आपको कोई काम करवाना है तो अपना मैसेज वहाँ तक कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि इंट्रोडक्शन, देखो यहाँ देखो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चलाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, एंड फिर कौन कौन से मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, ठीक है, कैरेक्टर सेट, ये सारी चीज़ें। और अब इसमें क्या है, देखो
ये आपके लिए पहले से इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब ये ध्यान रख लो, अगर आपको क्लास 11th की पाइथन अच्छे से आती है, ठीक है, तो आप क्लास 12th में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ऑल्दो वो सिलेबस अलग है, बट उसका जो बेसिक्स है टोटल वो आपका यही वाला सिलेबस है। अगर आपके 11th में आप बेसिक्स आपसे अच्छे नहीं है, तो फिर आप, अगर आप ये चाहते हो कि आप CS की फील्ड में आगे जाना चाहते हो और प्रोग्रामिंग ही करना चाहते हो, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं, आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है वहाँ पर, क्योंकि आप जितना आसानी से अभी चीज़ें सीख पाओगे ना, बाद में थोड़ी दिक्कत होगी आपको और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो अभी आपका ऐसा सब्जेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए अभी, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जो तीसरी यूनिट है आपकी, वो टोटली आपकी है थ्योरेटिकल यूनिट, ठीक है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। तो ये तो बहुत आसान सी है, तो इसको भी मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। कोशिश रहेगी कि मैं आपको नोट्स अपने तरफ से प्रोवाइड कराऊं, बट आप लोग भी जब भी वीडियोस को देखना तो इनको नोट्स खुद से बनाना, वो ज़्यादा आपको अच्छे रहेंगे, ठीक है। और भी अगर आप चाहते हैं किसी भी टाइप की गाइडेंस को, तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। और ये है कि आप कौन कौन सा प्रैक्टिकल यहाँ पे करना है हमें, और जो भी सारे प्रैक्टिकल्स हैं वो करके दिखाऊंगा, ताकि जिससे क्या हो कि जिसके पास कंप्यूटर नहीं है उस बच्चे को भी आराम से समझ में आ सके, कि आप सब जानते हो कि आपको स्कूल में कितना ही कंप्यूटर चलाने को मिल जाता है हमको लैब वगैरह में। सो बस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी के लिए एक सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा था मैं आप सभी को, बहुत ही जल्दी सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँगा। अभी थोड़ा मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिले यहाँ पर देखने को मिल सकता है 2 से 3 दिन का, बट आपको वीडियोज़ कंटिन्यूसली मिलेंगे, ठीक है। तो बस आप सभी को करना क्या है, देखो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, और साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने दोस्तों तक, ताकि जब भी ये सीरीज शुरू करी जाए ना, एकदम से मज़ा आ जाना चाहिए आप सभी को। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये बोल सकता हूँ कि आपका कितना भी अच्छा टीचर हो, आपके पेड कोर्स से आपको बेस्ट मिलेगा, आपके पेड कोर्स से आपको ये फ्री वाली सीरीज है ना बेस्ट दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आज तक आपको किसी ने इस तरीके से पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है। सो बस मेरी के साथ, क्योंकि यार बाकी तो मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, बाकी आप पढ़ो तब देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो बस मिलते हैं आप सभी सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप बस ऐसी पढ़ाई करते रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो